अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों, आज हम तीसरी जमात उर्दू बाल भारती की किताब से नटखट बच्ची, ये भी नज़म है नटखट बच्ची, अब हम ये नज़म देखेंगे। इस नज़म को लिखने वाले जो शायर है वो जगन्नाथ आज़ाद, इन्होंने ये नज़म लिखा है। जगन्नाथ आज़ाद इन्होंने, अब देखो नटखट बच्ची के बारे में क्या लिखा है हम देखेंगे। सुन लो एक कहानी बच्चों, सुन लो एक कहानी। 7 बरस की एक बच्ची है, नाम है जिसका पूनम, लेकिन सब बच्चों ने इसका नाम रखा है रानी। सुन लो एक कहानी बच्चों, सुन लो एक कहानी। मम्मी उसको डांट पिलाए या दीदी धमकाए, कहती है कह ना मानूंगी, करती है मनमानी। सुन लो एक कहानी बच्चों, सुन लो एक कहानी। तब तक सोती ही नहीं हरगिज़ देर हो चाहे जितनी, ये हर रात को सुन नहीं लेती जब तक एक कहानी। सुन लो एक कहानी बच्चों, सुन लो एक कहानी। चूहे और बिल्ली की लड़ाई, सौदागर और बंदर, छोटे मोटे किस्से उसको सब हैं याद ज़बानी। सुन लो एक कहानी बच्चों, सुन लो एक कहानी। देखो कितनी अच्छी नज़म है। यहाँ पर जो शायर है वो बोल रहे हैं सुन लो एक कहानी, वो हमें कहानी सुना रहे हैं नटखट बच्ची की। 7 बरस की एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है पूनम, है ना, वो पूनम का पूनम है, लेकिन उस सब बच्चे उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम रखे उन्होंने रानी। उसका नाम तो पूनम है लेकिन सब बच्चों ने मिलकर उसका नाम रानी रखे है, जैसे कि किसी कोई कोई बच्चों के नाम घर में अलग होते हैं और बाहर, है ना, प्यार से उसको रानी बोलते हैं। तो सुन लो बच्चों एक कहानी, सुन लो एक कहानी। तो सुनो अब ये कहानी। मम्मी उसको डांट पिलाए या दीदी धमकाए, वो बच्ची ज़रा क्या करती थी, मनमानी करती थी, तो उसकी अम्मी क्या करते हैं, डांटते हैं उसको, और उसकी जो बड़ी बहन है दीदी वो क्या करती है, उसको धमकाती है, कहती है कहना मानूंगी, करती है मनमानी। क्यों उसको डांटते हैं उसकी अम्मी और दीदी धमकाती है, क्योंकि वो कहती है मैं कहना मानूंगी, तुम्हारी बात सुनूंगी, लेकिन वो क्या करती है, मनमानी करती है, कुछ बात नहीं सुनती, इसके लिए उसकी अम्मी डांटते उसको और बहन उसको चिल्लाती है। सुन लो एक कहानी, है ना बच्चों, सुनो अब ये कहानी। तब तक सोती ही नहीं हरगिज़ देर हो चाहे जितनी, इसकी आदत भी कैसी है, एक तो मनमानी करती है और रात में भी देर से सोती है, कितनी भी देर हो वो सोती नहीं, ये हर रात को सुन नहीं लेती जब तक एक कहानी। ये कब तक नहीं सोती बच्ची, जब तक वो रात में कहानी सुन नहीं लेती, उसको रोज़ कहानी सुनने के बाद ही उसको नींद आती है, कितनी भी देर हो जाए वो सोती नहीं, कहानी सुनकर ही सोती है वो बच्ची। कौन रानी है ना, पूनम जिसका नाम है। सुन लो एक कहानी बच्चों, सुन लो एक कहानी। चूहे और बिल्ली की लड़ाई, सौदागर और बंदर, छोटे मोटे किस्से उसको सब हैं याद ज़बान। चूहे की कहानी, बिल्ली की लड़ाई, सौदागर और बंदर, ये छोटे मोटे जो किस्से कहानियां हैं उसको ज़बानी याद है, क्योंकि उसको रोज़ कहानियां सुनने का शौक़ भी है और वो रात में जल्दी सोती नहीं है। तो हमें इस नज़म में छोटी नटखट बच्ची के बारे में ही बताया गया है कि वो कितनी मनमानी करती है, शरारत करती है लेकिन 7 बरस की छोटी सी है, ऐसे काम करती है, उसको छोटे मोटे किस्से भी ज़बानी याद है। अब हम आगे देखते हैं चूहा और बिल्ली, ये भी एक नज़म है बच्चों, और इसके जो शायर है वो शम्स देवबंदी है, इन्होंने देखो चूहा और बिल्ली के बारे में एक नज़म लिखा है, अब हम देखते हैं कि शायर ने क्या लिखा है। बिल्ली चूहा, चूहा बिल्ली, सोच रहे थे जाएं दिल्ली, पहले सोचा ट्रेन से जाएं लेकिन पैसे कहाँ से लाए, बस में कैसे चढ़ पाएंगे, पकड़े गए तो पछताएंगे। चूहा बोला बात बदल कर, हम जाएंगे पैदल चलकर। सुन के बिल्ली भी मुस्काई, फिर बोली हाँ ठीक है भाई, खुश थे दोनों दिल में अपने, देख रहे थे रंगे रंगी सपने, लाल किले को चिड़िया घर को, हम देखेंगे हर मंजर को, जामिया मस्जिद अप्पू घर भी, लाट कुतुब की और सदर भी, जंतर मंतर भी जाएंगे, झूमे नाचेंगे गाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो दिल्ली के बारे में बताया गया है, दिल्ली में क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए। आपको तो पता है चूहा और बिल्ली तो सबने देखा है, सबके घर में होते हैं चूहे, बिल्लियाँ भी होती है, किसी को शौक़ होता है बिल्ली पालने का, तो
हमने सब देखा है चूहा और बिल्ली को, बिल्ली चूहा, चूहा बिल्ली, ये दोनों क्या है उनके बारे में है, वो क्या कर रहे हैं, दोनों दोस्त हैं यहाँ पर, वो दोनों क्या सोच रहे हैं कि दिल्ली को जाएंगे, कैसे जाएंगे, पहले सोचा ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन से उनको जाना था दिल्ली, लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं थे, फिर बस से कैसे चढ़ पाएंगे, तो वो सोचने लगे पैसे भी नहीं है और बस में कैसे चढ़ेंगे, हम पकड़े गए तो पछताएंगे, है ना, टिकट नहीं, पैसे नहीं, कुछ नहीं, तो फिर बस में ही पकड़ सकते हैं ना उनको। तो चूहा बोला बात बदल कर, चूहा फिर क्या बोला कि हम जाएंगे पैदल चलकर, चूहा ने बोला, चूहे ने बोला कि हम पैदल ही दिल्ली जाएंगे। सुन के बिल्ली भी मुस्काई, बिल्ली भी क्या करने लगी, हंसने लगी और बोली हाँ ठीक है भाई, हम पैदल जाते हैं। खुश थे दोनों दिल में अपने, देख रहे थे रंगी सपने। अब उनको दिल्ली को पैदल जाना था और दोनों बहुत खुश थे दिल में और रंगीन सपने देख रहे थे, वो खुशी के मारे क्या कर रहे थे, सपने देख रहे थे रंगीन। लाल किले को, चिड़ियाघर को, हम देखेंगे हर मंजर को। लाल किला जो है वो दिल्ली में है और चिड़ियाघर, देखो दिल्ली में क्या क्या चीज़ें हैं वो उनको देखना है बिल्ली और चूहे को। तो वो बोल रहे हैं कि हम हर मंजर, हर चीज़ को देखेंगे, लाल किला और चिड़िया। लाल किला वहाँ पर बहुत मशहूर है, यहाँ पर तस्वीर में भी दिया गया है, देखो लाल कलर का है वो। तो बिल्ली और चूहा देखना चाहते हैं जामिया मस्जिद, अप्पू घर भी, जामिया मस्जिद भी है ना वहाँ पर मशहूर, वो देखना चाहते हैं। अप्पू घर यानी जू की तरह होता है, वो भी देखना चाहते हैं। लाट कुतुब भी और सदर भी, ये भी एक क्या है, जगह है वहाँ पर बनी हुई कुछ चीज़ें हैं, लाट कतब और सदर। जंतर मंतर भी जाएंगे, झूमे नाचेंगे गाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं, हम जंतर मंतर भी वो एक जगह है, वहाँ पर भी जाना चाहते वो चूहा बिल्ली, और झूमना चाहते हैं, नाचना और गाना चाहते वो लोग, इतना वो लोग क्या है सपने देख रहे हैं जाने के लिए दिल्ली घूमने। तो ये कितनी अच्छी नज़म है, ये आपको याद करना है बच्चों।